नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे बीपीएससी अभ्यर्थी, बीएसएससी के बाहर जोरदार हंगामा। कोरोना अब भी है जानलेवा, पटना में जनवरी से अब तक 50 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग में 13,813 पदों पर जल्द होगी बहाली, मंगल पांडे ने किया ऐलान। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अक्सर परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है कि रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि परीक्षा केंद्र तय करने के लिए अब गूगल मैप्स की मदद ली जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों के घर से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे परीक्षार्थियों का समय तो बचेगा ही, आने जाने में लगने वाला उनका खर्च भी बच जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया कि देश भर से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनके स्थानीय शहर से बहुत ज्यादा दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की वजह से न उन्हें सिर्फ लंबी दूरी का सफर करना पड़ता है बल्कि उनका खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अभ्यर्थियों के घर से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे अभ्यर्थियों को आने जाने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। इस नई प्रक्रिया को आने वाले सीबीटी लेवल 4 और लेवल 6 की परीक्षाओं में ही लागू किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए रेलवे की तरफ से कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवार की ओर से दिए गए पते के साथ दिए गए पिन कोड को गूगल मैप के जरिए उनके निवास स्थान से 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा परीक्षा केंद्र के साथ जोड़ रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र तक परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस और ट्रेन के जरिए आवागमन सुलभ हो। अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने बुधवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। बीएसएससी के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 2014 में जितने पदों की बहाली निकाली थी उतने पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना था कि साल 2014 में 13,120 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। कई बार छात्रों के आंदोलन के 8 साल बाद मेरिट लिस्ट जारी किया गया लेकिन 2000 सीटें खाली रख दी गई। उन 2000 सीटों पर बहाली नहीं की गई है। मेरिट लिस्ट 11,329 अभ्यर्थियों का निकाला गया था जबकि रिक्त सीटें थी 13,120 थी। अभ्यर्थियों की मांग है कि जितनी सीटों पर वैकेंसी आई थी उन सभी सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए। अभ्यर्थियों की माने तो 1778 छात्रों का काउंसलिंग कराने के बाद मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। फिजिकल वाले पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों को फिजिकल का मौका नहीं दिया गया और कहा गया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। छात्रों की मांग है कि सरकार ऐसे 1778 अभ्यर्थियों को फिजिकल का मौका दे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी करे। इसके बाद भी अगर सीटें बचती है तो दूसरी लिस्ट जारी की जाए। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर का खतरनाक दौर भले ही वापस नहीं आया हो लेकिन यह महामारी अभी भी जानलेवा साबित हो रही है। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बीच जो नई जानकारी सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। राजधानी पटना में जनवरी से अब तक 50 ऐसे लोगों की मौत हुई है जो कोरोना संक्रमित थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर 17 जुलाई तक राज्य में कुल 174 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। इनमें 50 लोगों की मौत केवल पटना में हुई है। कोरोना की पहली लहर के दौरान साल 2020 में मई से दिसंबर तक के बीच कुल 532 लोगों की मौत हुई थी जबकि दूसरी लहर में जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच 1263 लोगों की मौत कोरोना की वजह से सरकारी आंकड़ों में बताई गई है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की पहली लहर बिहार में 116 दिनों तक चली थी। पहली बार में महामारी की पीक 29 दिनों के बाद आया था, उससे सामान्य होने में 90 दिन लगे थे। पीक पीरियड 25 जुलाई 2020 से लेकर 23 अगस्त 2020 तक था। स्वास्थ्य विभाग में आगामी 3 महीने के अंदर भारी संख्या में नियुक्ति होगी। इसकी जानकारी देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मानव बल रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 3 महीने के अंदर अलग अलग पदों के लिए कुल 13,813 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। मंगल पांडे ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत नर्स की होती है, इसीलिए ANM नर्स की 8,853 पदों
पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें काउंसलर के पद 589, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मोबिलाइजर के 26, एएनएम के 8853, सीनियर ट्रिबिलाइजर मैनेजर के 193, हॉस्पिटल मैनेजर के 94, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15, डिस्ट्रिक्ट डॉस टीवी सुपरवाइजर के 13 पदों पर बहाली होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड में घूमने के लिए जानकारी लेने के लिए नए पद का निर्माण किया है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके लिए 4050 पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। इंजीनियरिंग में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10-12% सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन सीटों पर कुछ नए सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इस पर एकेडमिक कमेटी जल्द फैसला लेगी। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक अगले साल से इंजीनियरिंग की सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या 9150 है। इसी तरह कुछ चुनिंदा पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जैसे फूड प्रोसेसिंग विषय में 60 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिल चुकी है। फिलहाल 44 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों की कुल संख्या 11200 है। बिहार से रोजगार की तलाश में अलग अलग राज्यों में जाने वाले मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार पलायन करने वाले लोगों के लिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलेगी। यह सेंटर 7 राज्यों में खोली जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अगले 6 माह का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही विभिन्न राज्यों के श्रम विभाग को भी इस दिशा में काम शुरू करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि जिस राज्य के शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होगी, वहां पर माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा, ताकि वहां रहने वाले मजदूरों को रहन सहन में होने वाली समस्या का समाधान किया जा सके। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खुलने के बाद श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी वहां के अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित राज्य के वैसे सुविधाओं को भी मजदूरों को दिलाएगी, जो किसी भी राज्य के मजदूरों को मिल सकती है। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने के लिए श्रम विभाग पहले एनजीओ या इंडस्ट्री को पार्टनर बनाएगी, ताकि इसे शुरू करने में विभागीय अधिकारियों की बस निगरानी रहे एवं वहां इस एनजीओ या इंडस्ट्री पार्टनर के साथ एमओयू हो। बिहार के सबसे बड़े स्टेशन पटना जंक्शन पर अब मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। पटना जंक्शन पर इसी महीने से एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरू होगा। उद्घाटन के बाद पटना से सफर करने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। कुछ हिस्से में लाउंज बनकर पूरी तरह तैयार है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के वरीय अधिकारी से उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। समय मिलते ही एग्जीक्यूटिव लाउंज का उद्घाटन होगा। अधिकारियों की माने तो इस महीने हर हाल में इसकी शुरुआत हो जाए। एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने का मकसद जंक्शन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। इस कड़ी में बेहतर सुविधा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर अब यात्रियों को रेल का इंतजार करना पहले जितना बोरिंग नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वाला लाउंज बनाने की कड़ी में इसका निर्माण कराया है। बिहार में डीएलएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब 22 जुलाई 2022 तक secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई होगी। बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए 27 जून को फॉर्म आया था, जिसे भरने की आखिरी तारीख 17 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 25 जुलाई को जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए 28 जुलाई तक का वक्त होगा। वहीं इसकी परीक्षा अगस्त महीने में प्रस्तावित है, परंतु अभी तक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 8 से 15 अगस्त तक सुबह में हर घर झंडा का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान न सिर्फ सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरेगा, बल्कि गाँव गाँव में हर घर में झंडोत्तोलन किया जाएगा।
इसको लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग को नोडल बनाते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी सरकारी विभागों में वितरण के लिए सहकारिता विभाग के बुनकर और जीविका दीदियां झंडा तैयार करेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के बुनकरों को 8,000 और जीविका दीदियों को 12,000 झंडों के निर्माण का टास्क मिला है। अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्तरां का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गांधी घाट पटना में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्तरां शुरू किया गया था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आने से सुरक्षा दृष्टिकोण से 2017 से यह बंद है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक कंबल तनुज ने कहा कि इसके मरम्मत का काम दोबारा से शुरू किया गया है और अक्टूबर से इसे दोबारा लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निविदा को सफल बनाने में देश के सभी तटीय शहरों और तटीय राज्यों के सभी प्रमुख शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था, जिसमें संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी को PPP मोड के तहत 15 वर्षों के लिए लीज पर संचालन के लिए दिया गया है। पटना जू में आने वाले विजिटर्स को यहाँ के वन्य प्राणियों और पेड़ों की जानकारी अब स्मार्टफोन से भी मिल सकेगी। जू प्रशासन की ओर से वन्य प्राणियों को बाड़ी और महत्वपूर्ण पेड़ों पर बारकोड लगाए जाएंगे। यहां आने वाले दर्शक उस कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर वन्य प्राणी और पेड़ों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। पटना जू में पहली बार यह सुविधा विजिटर्स के लिए बहाल की जा रही है।